हेलो एवरीवन, दिस इज़ रीना एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीना अनु ब्लॉग। कैसे वो आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और ये नेक्स्ट विजिट हमारी थी गोमती रिवर फ्रंट। जब हम लोग वहाँ इमामबाड़ा घूमने जा रहे थे तो मतलब दो चार लोगों से हमने पूछा जब कि और कौन सी जगह है, तो गोमती रिवर फ्रंट के बारे में भी उन लोगों ने बताया। तो यहाँ पर भी हम लोग उसी दिन गए थे, लेकिन ब्लॉग वो बहुत लंबा हो जाता इसलिए मैं इसको अलग से डाल रही हूँ, क्योंकि एक ही जगह की वीडियो अलग अलग है तो ज़्यादा अच्छी है। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ से हम लोग एंट्री कर लिए हैं गोमती रिवर फ्रंट्स के लिए। और यहाँ जाने के बाद पता चला ना कि ये 3 बीघे में फैला हुआ था, और अंदर एंट्री करने के बाद काफ़ी ब्यूटीफुल था वो एरिया ही, काफ़ी अच्छी थी वहाँ जिस तरह से चीज़ों को बनाया गया था। और रोड अच्छे थे, काफ़ी अच्छे थे। रोड के किनारे किनारे जो ये सब बनी हुई, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था और काफ़ी शांत लग रहा था, क्योंकि नदी का किनारा था गोमती नदी का। और यहाँ पे हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे तो काफ़ी अच्छा था। और यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे पार्किंग एरिया जो उसका है, और यहाँ जाने के लिए 50 रुपीज़ वो लोग गाड़ी के लिए ले रहे थे कुछ टाइमिंग के लिए। तो यहाँ से हम लोग एंट्री किए थे अंदर, और अंदर जाने के लिए यहाँ पे आप गाड़ी वाड़ी पार्क कर सकते हैं। ये सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं जो गोमती रिवर फ्रंट्स में जाती हैं, जिसको पूरा बता रहे थे कि ये 3 बीघे में बना हुआ है। 3 बीघे नहीं, 3 किलोमीटर में है रेडी। तो 3 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसमें फव्वारा वगैरह भी लगे हुए थे, लेकिन हम लोग थोड़ा जल्दी गए। तो फव्वारा स्टार्ट होने के लिए शाम का टाइम रहता है तो अच्छा रहता है, लाइट वगैरह जब जलती है, लेकिन हम लोग थोड़ा जल्दी गए थे, हल्की हल्की सी धूप थी, क्योंकि हम लोग को घूमना 2-3 जगह जाना था, इसलिए घूमने टहलने में थोड़ा टाइम लगता है ना। तो अंदर हम लोग एंट्री किए थे, और फिर अंदर कुछ ऐसा खाने पीने का तो ऐसा कुछ दिखा नहीं मुझे, बस यहाँ पे ये था, थोड़ी शांति थी और कुछ लोग बैठे हुए थे, जैसे कॉलेज गोइंग बच्चे जो होते हैं जो यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते हों, या फिर ऐसे शाम के टाइम लोग ज़्यादा यहाँ पर घूमने आते हैं, क्योंकि शाम के टाइम थोड़ा अच्छा लगता है। और ये गर्मी का टाइम था तो कोई रश नहीं था यहाँ पे, और देखने के लिए भी मतलब दिन के टाइम तो देखने में कुछ नहीं था, लेकिन ये था कि यहाँ ग्रीनरी थी और नदी था उसके ऊपर जो पुल वगैरह ओवरब्रिज बनी हुई थी वो थी, और ये सब जगह थी अच्छे से, मतलब जगह को पूरा यूटिलाइज करके अच्छे से, मतलब एक एरिया को बनाया हुआ था। बैठने की जगह भी कई जगह अच्छी अच्छी बनी हुई थी। लेकिन जो भी लोग यहाँ घूमने जाना, तो मैं यही कहूँगी कि इवनिंग के टाइम जाए, इवनिंग के टाइम ही अच्छा है, और ज़्यादातर अच्छा उन लोगों के लिए होगा जो यहाँ पे आसपास में रहते होंगे, वो वॉक करते हुए यहाँ आ सकते हैं 1-2 घंटे बच्चों के साथ, जिसके छोटे बच्चे वो यहाँ पे खेल सकते हैं, यहाँ पे बच्चों को लेके आ सकते हैं, अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ऐसे रहे पिकनिक स्पॉट टाइप का है यहाँ पे आके, मतलब शांति से कुछ टाइम स्पेंड करना चाहें तो अच्छे से कर सकते हैं। देखने के लिए यही सब था, और इतना मतलब 3 किलोमीटर में था तो इतना ज़्यादा हम लोग वॉक नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इमामबाड़ा घूम के बहुत थक चुके थे। तो हम लोग मतलब कुछ दूर तक हम लोग टहलें देखें, और जब यही सब चीज़ें देखें तो फिर हम लोग ज़्यादा घूमे भी नहीं, कुछ टाइम तक हम लोग देखें चीज़ों को, थोड़ा सा जानने की कोशिश की, और उसके बाद हम लोग वापस घर निकल लिए थे। और ये सब चीज़ें बनाई गई थी, इसके बाद बताया जा रहा था कि मतलब जो भी बना था स्टार्टिंग में तो ये काफ़ी ही ब्यूटीफुल था। तो चीज़ें होती हैं ना, जब बन जाती हैं थोड़े टाइम हो जाते हैं तो उनको काफ़ी मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है। और अभी जो भी है ऐसा दिख रहा है यही है, आप लोगों को अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। और आप लोग मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच किया करिए, और वॉच करने के साथ साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी किया करिए, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियोस बनती है। और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। और ये लोग तो बिल्कुल चलते चलते थक चुकी थी, थक गई है, इतना थक गई है कि इसका मुँह एकदम ललम लाल हो गया है।
तो यहाँ पर मेरी पूरी फैमिली बैठी हुई है, इधर हस्बैंड और पिताजी बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ मेरे सिस्टर लोग। और यहाँ पे हम लोग रेस्ट करने के बाद फिर घर के लिए निकल रही हैं। तो ये हम लोगों को वापसी जाने का है, और इसी के साथ मेरा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करते हैं।